हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद अकबरुद्दीन, विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता। अकबरुद्दीन जी, कोई भारतीय प्रधानमंत्री 42 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत के लिए आ रहा है, किस तरह से आप लोग इस विजिट को देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का फोकस है, जितने भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हैं वो हमारे डेवलपमेंट से लिंक रहे, तो डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट का फोकस रहेगा इस यात्रा में। तो ऊर्जा पे बात होगी, एग्रीकल्चर पे बात होगी, बात होगी एजुकेशन पर। कनाडा के पास बहुत अच्छे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जिसमें जो मॉडल हम भी अपनाना चाहते हैं। कनाडा का इन्वेस्टमेंट भारत में हम चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो इन्वेस्टमेंट आया है वो बस बिल्कुल बहुत कम है, तकरीबन $5 बिलियन का। प्रधानमंत्री जी जब टोरंटो जाएंगे उनकी बातचीत होगी पेंशन फंड मैनेजर्स से, क्योंकि कैनेडियन पेंशन फंड्स में तकरीबन 200 से 200 मिलियन बिलियन से ज़्यादा कॉर्पस है। तो इसमें से हमारी ये कोशिश है कि कुछ इन्वेस्टमेंट भारत भी आए। प्रधानमंत्री जी टोरंटो के अलावा वैंकूवर भी जाएंगे, क्योंकि कनाडा भारत के जैसा एक फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट्स में जो यूनिट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, उनका भी इंक्रीजिंग रोल हो रहा है आजकल जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। तो ये सब चीज़ इस पर भी फोकस होगी। भारतीय समुदाय के लोगों से खास तौर पे कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी, और टोरंटो में उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई। टोरंटो में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है जहां पर हमारे अनुसार तकरीबन 10,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के नागरिक आएंगे, और वहां पर प्रधानमंत्री जी की उनसे इंटरेक्शन होगी। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साथ में, तमाम मुल्कों को साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रांग व्यू है, और आपने यूरोप में देखा, इससे पहले जब वो न्यूयॉर्क गए थे 9/11 मेमोरियल भी गए थे, इसी तरह वो कनिष्क मेमोरियल भी जाएंगे, और प्रधानमंत्री हार्पर के साथ जाएंगे कि, और ये इसका सिंबलिज्म ये है कि भारत और कनाडा दोनों मिलकर इस आतंकवाद के थ्रेट से लड़ने को तैयार है। 42 साल बाद ये यात्रा हो रही है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कनाडा में, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में तमाम कदम भी उठाए जाएंगे। कैमरामैन शोभन सिंह के साथ सुधाकर दास, TD News, ओटावा।